हेलो हाय नमस्ते। तो आ गए आप सब। तो जैसे कि आप सबको याद होगा कि पिछले वाली वीडियो में हमने एक नए गेम को खेलना शुरू किया था जिसका नाम है द बेबी इन येलो। तो जैसे कि आप सबको याद होगा कि उसमें हमारी ड्यूटी एक पर्सनल केयर टेकर के रूप में लगी थी, जिसमें हमें एक भूतिया बच्चे का ध्यान रखना पड़ा था लिटरली, और उसने अपनी पावर्स का यूज करके हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो जैसे कि आप सबको याद होगा कि पार्ट वन में हमने देखा कि हमने स्टार्टिंग के एक दो लेवल हमने कम्प्लीट कर दिए थे, तो हमारी दो नाइट पहले ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुकी है और उसमें हमने ऑलरेडी बहुत कुछ फेस किया था। और एक ज़रूरी बात कि मेरे काफ़ी सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनको भी ये वीडियो पसंद आएगी, उनके दिमाग में एक बात आएगी, वो मुझे पता है कि वो ज़रूर आएगी कि इस गेम को हम कैसे खेल सकते हैं। तो मैं आपको एक सीधी बात बता देता हूँ कि मैं जो भी गेम खेलता हूँ, जिस भी गेम की वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलती है, तो वो सारे गेम्स आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखो, मैं एक बात आप सबको बता दूँ कि अब तक जो आपने देखा वो कुछ भी नहीं था, असली ट्विस्ट अब है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम अपना मिशन फटाक से देख लेते हैं। वैसे दो रातें हो गए, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि दो रातें जब बीत गई तब ऐसा लगा कि मुझे भूख लगी है भाई। मतलब दो रात से मैं बिना कुछ खाए पिए था, सच में मुझे अपने आप पे विश्वास तो नहीं हो रहा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे चलते हैं किचन में। बहुत रख लिया बीबी का ध्यान, अब थोड़ा खुद पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ओके चलो, तो यहाँ पर फटाक से कुछ बना लेते अपने लिए। यहाँ पर टमाटर है, प्याज है, सॉस है और मशरूम भी है, तो हम इससे क्या बना सकते हैं जल्दी से, हमें कुछ तो बनाना होगा। अब वैसे मुझे तो कुछ बनाने आता नहीं है। आई होप ये एक मिनट, ये अंडा है, इसका आमलेट बना लूँ क्या? वैसे आमलेट जल्दी बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं थोड़े कंट्रोल्स सीख लेता हूँ, क्योंकि ये ना खाना बनाना मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए। ओके चलो, और देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। चलो फटाक से, मुझे ऐसा लगता है कि ये रही हमारी मशीन और यहाँ पे हमें कुछ बनाना है अपने लिए। आई थिंक सो हम सैंडविच बना सकते हैं। तो चलो लग जाते हैं काम पे। और ये रहा हमारा मशरूम, और ये रहा यहाँ पे प्याज, और ये आई थिंक सो मेरे ख्याल से ना, चलो एक अंडा भी रख देते हैं। और यहाँ पे मशीन को करते हैं ऑफ, और ये प्याज भी यहाँ पे इनफ है। ओके चलो, यहाँ पे टेक अ स्लाइस। मेरे ख्याल से मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब फटाक से एक ब्रेड को रखते हैं और यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। चलो एक अंडा और, भाई मैं ना एकदम टेस्टी बनाने वाला हूँ। चलो यहाँ पे करते हैं मशीन को बंद, और ये यहाँ पे जल्दी वहाँ पे हटो, फीड मी। एक मिनट, वो मॉन्स्टर बच्चा फिर से आ गया क्या? मुझे भागना पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। फीड द बेबी यू मॉन्स्टर। भाई वो बच्चा फिर से शैतान बन गया क्या? उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि फिर से शैतान की आत्मा आ गई है। एक मिनट, मुझे जल्दी से भागना होगा यहाँ से। भाई रूम से निकल भी नहीं सकते भाई। ये रहा फ्रिज, फटाक से चलते इसके अंदर। भाई बोतल का क्या करूँ भाई, हद दे भाई। एक मिनट, रास्ता ढूंढने दो रास्ता। भाई ये फ्रिज के अंदर कितना ज़्यादा खुफिया रास्ता है, मुझे रास्ता यहाँ पे मिल नहीं रहा, बट रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। ये इधर लेफ्ट राइट, मैं जैसे आया था मुझे रास्ता भी याद नहीं। एक राइट, एक दोबारा से लेफ्ट, और यहाँ पे आई थिंक सो। भाई ये मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई। एक तो इतनी मेहनत करके मैं गया था सैंडविच बनाने, ऊपर से खाने भी नहीं दिया। आई थिंक सो हम, एक मिनट, फाइनली मैं यहाँ पे, मतलब दूसरे के रूम से मैं यहाँ पे निकल कर भागा हूँ आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। चलो फटाक से इसको ना यहाँ पे इसकी नैपी चेंज कर देते हैं। भाई दूध पिलाते के साथ ये एकदम भाग देता है भाई। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अबे इसकी तो मामो, तेरा बहन के चौदह महावीर वाला, तेरा मैया के चौदह वाला। भागने दो। ये भाई इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और मुझे ऐसा भागना पड़ेगा। भाई रुक जाओ भाई, ये बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है जो इसकी देखभाल कर रहा। अबे एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो मुझे ब्रेक द इमरजेंसी ग्लास। ओके चलो, बच्चा किधर है? अब ये गया इसका मास्क ऊपर। चल बहुत बोल रहा था, एक मिनट इधर आना, शैतान की आत्मा तेरे अंदर घुस गई थी। एक मिनट रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये तुझा टॉयलेट के अंदर, मैं ना कोई रिस्क नहीं ले सकता भाई। इसने एकदम डरा के रख दिया था भाई। एक तो मैंने सैंडविच बनाया, वो मुझे खाने तक नहीं दिया। एक मिनट चल, अब तू जा टॉयलेट के अंदर, और ये मैंने कर दिया यहाँ पे फ्लस। ये हो जा यार, क्या है ये? ओके चलो जल्दी से करते हैं फ्लस। तू जा टॉयलेट के अंदर, बाहर मत आना यार, ये क्या है भाई। एक मिनट चलो, इसको लेके चलते इसके बेडरूम में।
भाई सच में इसने ना एक टाइम के लिए डरा के रख दिया था, एक मिनट और तो क्या है। सेटल बेबी, भाई पहले मैं तो सेटल हो जाऊं भाई। ये क्या है भाई, पिक अप द बेबी, पुल बेबी इन कैट। भाई तेरे अंदर शैतान की आत्मा आ जाती है क्या, तुरंत रहता है तुरंत, पता नहीं तो कैसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। भाई थोड़ा कम डरा यार, मैं तो भूल ही गया कि मैं हॉरर गेम खेल रहा हूँ। चलो यहाँ पे अब मैं इसको बुक पढ़ के सुनाऊँ। भाई अजीब लॉजिक ही कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे यहाँ पे फटके चार हो रखी है और मैं यहाँ पे बुक रीडिंग करूँ। ये सो गया क्या, व्हाट? नहीं 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 नो शिट। सच कह रहा हूँ, इसने ना ये लेवल कुछ ज़्यादा ही डेंजरस था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा कुछ भी करने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मोर नाउ अनदर। चलो इंटर द अपार्टमेंट। भाई ये तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा मतलब हॉरर गेम हो रहा है। इंटर द अपार्टमेंट। भाई ये मेरा ही घर है ना, सॉरी मेरा क्या यार, ये बेबी का घर है। डोंट गो अप स्टेयर, मतलब मुझे ऊपर नहीं जाना है। अरे भाई मुझे ऊपर नहीं जाना तो मैं क्या करूँ भाई, एक मिनट। अब फटाक से यहाँ पे फ्रिज खोलते हैं, ठीक है। बोतल, मैं यार बोतल का क्या करूँ यार, एक मिनट एक मिनट। वो बच्चा भी मॉन्स्टर बन चुका है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे मैं ऊपर भी नहीं जा सकता। मैं क्या करूँ यार, एक मिनट एक मिनट। सोफ़ा पे बैठ के टीवी देखूँ क्या, ये क्या यार, मैं बिना लॉजिक की बातें क्यों करता हूँ। यहाँ पे मेरी फटके चार हो रखी है, मैं यहाँ पे, ये बेबी भी नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगला मिशन है तो है क्या। एक काम करता हूँ मैं ना, रिक्स लेके चलता हूँ ऊपर, एक मिनट। ऊपर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं कोई रिक्स नहीं लेना चाहता। एक मिनट भाई, ऊपर जाने में एक मिनट। नो नो नो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे रैबिट का फॉलो, मुझे रैबिट को फॉलो करना होगा फटाक से, मैं अब कोई रिक्स नहीं ले सकता। भाई जल्दी से आ जाए यार, अब मुझे ऐसा लगता है कि लिफ्ट में बैठकर मुझे भागना होगा, वो शैतान बच्चा कभी भी मेरे पीछे आ सकता है। 1, 2 and 3 तो ऑल राइट, तो यहाँ पे एक मिनट। चलो तो मुझे यहाँ पे वाइट रैबिट को मुझे फॉलो करना है। वैसे मैं यहाँ पे नीचे आ गया या ऊपर आ गया मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं था। चलो फ्रैक से चलते। अभी तू पागल है क्या भाई साहब, ये चाबी लेके आ गया। नहीं नहीं नहीं, देख बच्चे चाबी दे दे, चाबी दे दे भाई। ये ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बंदा है। एक मिनट, चाबी दे। क्या यार ये क्या है, कैच द बेबी। अरे कैसे पकड़ूँ यार मैं, आते के साथ ये छुमंतर हो जा रहा है। एक मिनट मुझे चाबी तो कैसे भी लेनी पड़ेगी, वरना ये चाबी वाबी देने नहीं वाला। ये क्या है, ये शायद से कोई मैप या फिर पता नहीं क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारा जो अगला मिशन है क्या है, इन्वेस्टिगेट अपार्टमेंट। ओके चलो, हमारा अगला मिशन यही है कि हमें ना पूरा का पूरा अपार्टमेंट छाड़ मारना है। यहाँ पे मुझे कुछ तो मिलेगा, और ये रहा एक सीडी, पता नहीं इसका क्या काम है। ओके चलो, यहाँ पे एक मुझे एक फर्स्ट में मिला था और ये सेकेंड है आई थिंक सो। चलो यहाँ पे मेरे पास तीन कोई कागज़ तो है जिसको शायद मुझे ज्वाइन करना है। भाई इतनी ऐसी हालत हो रखी है इसमें, मैं यहाँ पे म्यूजिक, एक मिनट, ये ना टाइम पास वाला नहीं है, ये शायद से कोई मिशन है। ये बच्चे यार चाबी दे दे यार, मुझे इतना क्यों मतलब करना पड़ रहा है। एक मिनट, मैं कोई म्यूजिक बजाऊँ क्या। चलो काम तो होते रहेगा, कुछ गाना वाना सुन लेते हैं। अरे वाह, मतलब ऐसे बिट्स आ रहे हैं ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कोई हॉरर गेम खेल रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मजाक को रखते साइड में। और ये यहाँ पे पहला तो सेट हो गया मेरे ख्याल से। ओके चलो, मुझे आई थिंक सो दो या तीन और मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये तो ठीक है। ओके चलो, एक हो गया मेरे पास। और ये मैं यहाँ पे सीटी चेंज करूँ क्या, प्ले द पियानो। भाई पियानो, पियानो बजाना है क्या। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, ये अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। ओके चलो, फाइनली यहाँ पे दो सेट हो चुका है। और ये नहीं नहीं नहीं, ये सेट नहीं होगा, ये वेस्ट है, तो इसको यहाँ पे फेंकते हैं। जो सेट होने वाला तो होता है ना, वो जाके ऑलरेडी सेट हो जाता है। मैंने यहाँ तो कहीं तो मैंने कागज़ देखा था। चलो एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मुझे मिल गया जो कि मैंने देखा था।
अब प्ले द पियानो। चलो अब ना मुझे जल्दी से यहाँ पे पियानो को बजाना है, देखते क्या होता है आगे। पियानो बजाने से ये बस में आ जाता है क्या? अगर ऐसा है तो मैं चाबी ले सकता हूँ। अरे ये गया। अब मेरा अगला मिशन है इज डैट ए स्विच, इसका मतलब मेरे सामने जो रेड कलर का ये जो मुझे दिख रहा है ये स्विच है। चलो इसको दबा के देखते क्या होता है। भाई साहब खुफिया दरवाज़ा, मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई खुफिया दरवाज़ा भी हो सकता है। चलो 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 जल्दी से चलते हैं। भाई मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। एक मिनट, कोई एक सीढ़ी है। भाई मुझे लगा कुछ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं इस लेवल को कंप्लीट कर सकूं, बट ये सीढ़ी क्या, स्मोक भी मार रहा है। भाई जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब अगला मिशन क्या है, लिसन टू पैकमैन रिकॉर्ड, इसको शायद बजाना है। भाई इसको प्ले कर देते हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे ये सॉन्ग बजाने से ये बंदा बस में आ जाता है। इस बच्चे ने मुझे चाबी दे दी, जब चाबी मिल गई ना तो फटाक से यहाँ से निकलते हैं। चलो यहाँ पे हमारा लिफ्ट भी हमारा वेट कर रहा है। व्हाट डैम, इसने पावर कट कर दिया। अब मुझे जल्दी से यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी रूम मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसने पूरी की पूरी एकदम अपार्टमेंट की इसने ना लाइट काट दी। अब जब तक लाइट नहीं रहेगी तब तक लिफ्ट तो काम नहीं करेगा। ओके चलो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी रूम दिख गई मुझे यहाँ पे। अब मुझे क्या यहाँ पे फ्यूज व्यूज लगाना पड़ सकता है क्या? अब वो तो आगे चल के पता चलेगा। एलिवेटर, भाई लाइट ही नहीं है तो एलिवेटर काम कैसे करेगा? एक फ्यूज यहाँ का गया हुआ है। ओके चलो यहाँ पे मुझे एक फ्यूज लगाना होगा लाकर। नो पावर, भाई सही है यार, फ्यूज तो है ही नहीं तो एलिवेटर में पावर कैसे आएगा? अब मुझे ना पूरा एकदम अच्छे से समझ आ गया कि मुझे ना पहले तो मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होगी। तो फटाक से यहाँ पे लाकर इसको फ्यूज को लगा देते हैं। जब एलिवेटर में जब लाइट चली जाएगी ना तो शायद यहाँ से हम एस्केप कर सकते हैं। चलो मामला पूरी तरीके से मुझे समझ में आ चुका है। तो फटाक से एक फ्यूज तो मैंने लगा दिया है, अब दूसरा फ्यूज मुझे ढूंढना है। एक मिनट ये क्या है? ओके ये तो दरवाज़ा है भाई, चलो इसको छोड़ो रहने दो। ये क्या है? 1 2 3 4 कुछ होगा क्या? अब मैं समझ गया, ये आई थिंक सो कोई एक संदूक जैसा है, कोई एक ऐसा सीक्रेट मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो उसके लिए ना मुझे 4 अंकों का कोड चाहिए होगा, तो उसको तो मैं अभी ढूंढने नहीं वाला। अभी सबसे पहले ना मुझे फ्यूज बॉक्स को ढूंढना है जो कि मेरा मिशन है। वैसे ब्लू वाली तो मुझे मिल गई थी। ओके चलो यहाँ पे मुझे ना पिंक वाली भी मिल गई। फटाक से यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आएगी वैसे मैं यहाँ से स्किप कर जाऊँगा। एक मिनट, तभी मैं बोलूँ कि ये बच्चे की हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे तू यहाँ कैसे आया? एक मिनट, इसने ना यार पूरी की पूरी फ्यूज की वाट लगा दी है। चलो फटा, मैं सच कह रहा हूँ इसका ना खून हो जाएगा मेरे हाथों से। भाई क्या क्या कर क्या रहा है तू? एक मिनट, पहले ना मुझे इसका ठिकाना लगाना होगा। जब तक ये मेरे पास रहेगा ना तब तक मैं ऐसे स्किप कर ही नहीं सकता। एक मिनट ये क्या है? 4 3 4 3 स्टॉप द बेबी। सबसे पहले तो मुझे बच्चे को रोकना होगा, क्योंकि मैं जितने भी फ्यूज लगाते जाऊंगा ना ये उतना को ना मतलब तोड़ते जाएगा उसको, तो वो वेस्ट मुझे नहीं करना। मैंने वहाँ पे कोड देखा था 4 3, तो यहाँ पे मैंने इसको 4 3 तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मुझे 2 अंकों का कोड और चाहिए, वो ना 4 अंकों का वो मतलब पासवर्ड है, तो 2 तो मुझे मिल चुका है, 2 और पता नहीं कहाँ पर है। एक मिनट, लॉक का साइन है और 1 7 आई थिंक सो हमारा जो अगला जो कोड वर्ड है वो है 1 7। ओके चलो फाइनली, मैंने मजाक में ऐसा सोचा था कि ये खुल जाएगा। एक मिनट, अब तू यहाँ पे आ, तू जब तक यहाँ रहेगा ना मैं यहाँ से स्केप कर ही नहीं सकता, तू पहले जा। चलो फाइनली मैंने इसको ठिकाने लगा दिया है, अब जल्दी से एक फ्यूज ला के लगाते हैं। ये रहा फ्यूज, अब आई थिंक सो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। एक मिनट स्टेटस, चलो यहाँ पे ये ऑन हो गया, एलिवेटर स्टेटस यस। भाई अब मैंने फ्यूज ला के लगा दिया है तो ऑब्वियसली, एक मिनट भाई यहाँ पे चैन है ही नहीं, मुझे ऐसा लगा ही था कि कोई मुझे रास्ते में मिल ना जाए। एक मिनट ये क्या है? मुझे जल्दी से एलिवेटर के साइड जाना होगा। भाई किधर है यार, ये तो भूल भलिया जैसा रास्ता है ना। एक मिनट चलो सामने दिख गया मुझे, फटाक से चलते हैं एलिवेटर में।
तू जा भाई, डरा के रख दिया है इसने। ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है क्या? नहीं नहीं एलिवेटर। फाइनली आई थिंक सो मैं एस्केप कर जाऊंगा। नहीं अबे भाई चैन नहीं है क्या? एक मिनट व्हाट शिट यार, पहले तो एलिवेटर में लाकर फ्यूज लगा और ऊपर से भाई टाइम ही नहीं है भाई। ऑन हो जा यार। शिट यार एक मिनट, मुझे पहले इस मिशन को अच्छे से, अरे इधर गेट खुला हुआ है। एक मिनट मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मुझे किसी सेकेंड रास्ते से मुझे निकलना होगा जिसके लिए मुझे नो एस्केप। अरे क्या है का नो एस्केप भाई, जब रास्ता है तो हम तो यहाँ से जाएंगे। और ये रही चाबी, एक अनलॉक है, दूसरी वाली चाबी के दे। ओके चलो मिल गई यहाँ पे ये चाबी है भाई। उससे चाबी के ऊपर ना साइन बना हुआ है तो मुझे उससे इसको, भाई क्या क्या है ये, मैं तो 2 मिनट वेट कर ले भाई। चल अब इस बार कोई रिस्क नहीं लेना मेरे लिए ना, एक सेकेंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फटाक से चलते हैं। नो इसके भाई, इसके कैसे नहीं भाई, ये चाबी मिल गई। ये गया पहला, ये गया दूसरा। भाई खोल दे भाई जल्दी। वो कहाँ गया? ये एक मिनट भाई, रास्ता किधर है? इधर। शिट, एक लास्ट ट्राई, 1, 2 एंड 3। फटाक से चाबी। ये गया पहला ताला। नो एस्केप भाई, ये तू दिमाग मत खराब कर यार, नो एस्केप। ये इसको फेंको यार, ये चाबी यहाँ पे ही है। फटाक से पहला ताला अनलॉक। और ये गया दूसरा, और फटाक से चलते आगे। हाँ रोकेगा, चलो रास्ता मिल गया। फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एलिवेटर के अंदर, और फाइनली एस्केप। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। और मैं सच बताऊँ तो यार, ये तो कुछ भी नहीं है, अगला जो मिशन है ये इससे भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, जो कि आप सबको देखना चाहिए। तो कमेंट में आप लोग Part 3 कमेंट कर देना, मैं कल टाइम पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। चलो बाय बाय।